बेटा। मैंने किसी से नहीं कहा मुझे सुन लो, जिसने भी खुद सुना मुझे चाहा। मेरे कर्मों से खुदा मुझे मिलता है, ये गुलाब बिना रोशनी के खिलता है। कहे तू बस कोशिश कर, कहूँ मैं तुम्हें ना सो कोशिश पर, तोड़ मुझे क्या मिला वो दिल पर, क्या मिला तुम्हें और उसे मिलकर। जिन्हें कभी याद ही ना आई मेरी, उनके लिए गाने क्यों लिखूं मैं। मेरे लिए 10 जने काफी बोले, 10 लोग ही मिले उन्हें ठीक से तो मिलूं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुजारी। एंड आज की वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाली बेला के एक नए गाने पे। बेला का एक नया गाना है जिसका टाइटल है मैं हार गया। तो आई डोंट नो व्हाई ही इज पुटिंग इतना ज्यादा इमोशनल गाना। मैं कुछ टाइम से बेला को फॉलो कर रही हूँ एंड बहुत ज्यादा इमोशनल गाने बनाते हैं। पता नहीं इस गाने के अंदर क्या होने वाला है, तो वो तो गाना देखने के बाद ही पता चलेगा। वीडियो पे लास्ट तक बने रहो मेरे सारे कमेंट जानने के लिए कि मुझे कैसा लगा ये गाना एंड मेरे क्या थॉट्स है गाने के ऊपर। एंड अगर आप चैनल पे नए आए हो, मेक श्योर गाइस कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को। वहां जो नीचे रेड वाला बटन है उसको क्लिक करें एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर से प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे मेरी सारी वीडियो से। मैं इसी तरह की एंटरटेनिंग वीडियो लाती रहूंगी आप लोगों के लिए। चलो गाइस रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स पुट ऑन आवर ईयरफोन्स। ओके गाइस, तो हेडफोन्स ऑन है। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3 गो। सैड लग रहा है गाना म्यूजिक से। लेट्स सी। मैं हार गया। ये दिल मेरा कमजोर नहीं, बस देने मुझे फक्स और नहीं। करूं हर दिन शॉपिंग पर घुसता मैं कभी मॉल नहीं। फ्रेंड्स मेरे सारे गुंडे मवाली, पर बड़ा मेरा कोई दोस्त नहीं। हूं मैं पत्थर कोई नूर नहीं, मेरी जान कोई खूब नहीं। करे मुझे बायकॉट बड़े बड़े लोग, हंसू करे भाइयों को बड़े बड़े कॉल। क्यों तू मेरे मैटर में डाले तेरी नोज, बेला कैसे करेगा तू चीजों को अफोर्ड। आई ना कहे तू बस कोशिश कर, कहूँ मैं तुम्हें ना हंसू कोशिश पर, तोड़ मुझे क्या मिला वो दिल पर, क्या मिला तुम्हें और उसे मिलकर। चले कभी याद ही ना आई मेरी, उनके लिए गाने क्यों लिखूं मैं। मेरे लिए 10 जने काफी बोले, 10 लोग ही मिले उन्हें ठीक से तो मिलूं मैं। हम आगो मेरी परवाह नहीं होती, पीऊं भले दारू भले बीड़ी में। खाना खाऊं बैठ सड़क पे या सीढ़ी पे, उसे कॉल करूं वो भी बोली जीने दे। मुझे समझ ही नहीं आता क्यों मैं आगे या बढ़ ही नहीं पा रहा। मुझे डर है कि मैं खो जाऊंगा, कैसे 100 बटा 100 लाऊंगा। मुझे जज करने को खुली आंखें, मैंने जिंदगी को कागजों में बांटा। मैंने किसी से नहीं कहा मुझे सुन लो, जिसने भी खुद सुना मुझे चाहा। मेरे कर्मों से खुदा मुझे मिलता है, ये गुलाब बिना रोशनी के खिलता है। तेरे सीने में क्यों प्यार नहीं ईर्ष्या है, तुझे भी पता है मिट्टी में ही मिलना है। मैंने सब पाया सब कुछ खोके, मैंने मुंह न छिपाया खा के धोके। हो गया हूँ जख्मों से मैं मुतासिर, जख्मों की दवा ढूंढता मुसाफिर। मुझे मेरे हाल पे छोड़ो, हो मैं टूटा पहले से ही बहुत, मुझे ना तोड़ो। मुझे मेरे हाल पे छोड़ो, हो मैं टूटा पहले से ही बहुत, मुझे ना तोड़ो। मुझे मेरे हाल पे छोड़ो, 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 मुझे मेरे हाल पे छोड़ो। वाह, बहुत छोटा गाना था यार, 2 मिनट, 2 मिनट का ही गाना था यार। अमेजिंग गाना, ओ माय गॉड, ब्लो माय माइंड, व्हाट अ लिरिक्स। गाने के लिरिक्स बहुत ज्यादा खतरनाक, साथ में म्यूजिक भी बहुत ज्यादा खतरनाक। मैं देखना चाहूंगी एक मिनट म्यूजिक किसने बनाया यार। ऑसम म्यूजिक यार, दिस इज सो कूल, प्रोड बाय थोमी। आई डोंट नो, मैंने आई थिंक मैंने पहली बार सुना है इनको। अमेजिंग म्यूजिक, साथ में जिस तरह से मिक्सिंग मास्टरिंग की गई है, जिस तरह से गाने को बनाया गया है यार, बेस्ट एंड बेस्ट गाना बना है। एंड या दिस इज लाइक, मतलब मैं हार गया हूँ, द टाइटल ये सेटिस्फाई कर रहा है टाइटल को। एंड इस तरह से वो एक मैसेज दे रहे हैं कि गाइज, जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते या फिर लाइफ में जो बिल्कुल यू नो हारना जरूरी है गाइज, मतलब मेरे हिसाब से मैं मानती हूँ कि लाइफ में हार बहुत ज्यादा जरूरी है आपको कुछ सिखाने के लिए। आप कुछ सीखते हो तभी आप, मतलब जब आप हारते हो किसी चीज को करते हुए, आप जब हार जाते हो तो आपको वो सीखने को मिलता है चीजें। तो यार, जीत जितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हार भी उतनी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है लाइफ में। तो फेलियर को लेके एक गाना बनाया है जो कि काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है एक ऐसे बंदे के। अगर
ऐसे मैं भी बहुत बार फेल हुई हूँ गाइस, तो नॉट एकेडमिक्स, मतलब मैं एग्जाम्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने लाइफ में बहुत बार मैंने फेलियर फेस किया है. तो मुझे ये वो चीज़, मुझे ऐसा फील आ रहा था दैट कि हाँ ये गाना मेरे लिए है एंड मुझे इससे मोटिवेशन मिल रहा था, मुझे अच्छा फील आ रहा था. तो दैट इज कॉल्ड अ सॉन्ग. जब आप सुनो आपको सुकून मिले, आपको खुशी मिले मन की, तो वो एक गाना होता है गाइस जिससे आपके दिल को ठंडक मिलती है. तो ऐसा कुछ गाना था. मैंने गाने को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, अगर मैं कर पाई होंगी तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, कि मैं कहना क्या चाहती हूँ. तो मैं मतलब गाना सुनने के बाद मुझे कुछ ऐसा फील आया, फीलिंग्स को फील किया एंड आपको मैं बता रही हूँ. लिरिकली गाना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा मुझे, इतनी कमाल की लिरिक्स थी गाने के अंदर की आपका मतलब यार दिल छू गया गाइस, दिल छू गया एंड बहुत कमाल लगा मुझे गाना. आप लोग जरूर से कमेंट करके बताओ गाइस आपको कैसा लगा बेला का गाना. बेला इज लाइक गाइस बहुत मेहनत कर रहे हैं गाइस एंड उनको बिल्कुल सपोर्ट करिए, उनके चैनल पे जाइए एंड धड़ाधड़ यू नो लाइक सब्सक्राइब करिए उनको एंड जितना व्यूज दे सकते हो शेयर करो गाइस, इनके वीडियोज को जितना हो सके उतना शेयर करो. बहुत ज्यादा टैलेंटेड बंदा है बेला, मैजिक क्रिएट करते हैं ना गानों के अंदर की, मतलब कोई भी इनका कोई भी गाना उठा लो ना यार, मैं कभी किसी गाने को मैंने कभी ऐसा नहीं बोला है कि मुझे ये गाना पसंद नहीं आया है, मैं उनके हर गाने पसंद करता. आई थिंक मेरा ये जॉनर है, मुझे ऐसे गाने पसंद है, दैट इज वाई द इमोशन. इस गाने के अंदर क्या नहीं था गाइस, द इमोशन, हर एक चीज, हर एक बात जो कि एक अच्छे गाने में, एक गुड क्वालिटी के गाने में होनी चाहिए, वो सारी चीजें थी इस गाने के अंदर. मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट जो सबसे बड़ी चीज होती है वो कनेक्शन होता है पब्लिक के साथ, गाने का कनेक्शन नहीं बैठता है. कभी कभी हम सोचते रहते हैं कि यार क्यों बनाया ये गाना, किस लिए बनाया, द पर्पस ऑफ द सॉन्ग मतलब क्लियर नहीं है. तो ऐसे गाने बहुत कम टच होते हैं. बाडी वाले सॉन्ग की बात नहीं कर रही हूँ, बट जो इमोशनल गाने बनाते हैं एंड हम ऑडियंस को कनेक्ट नहीं कर पाते, तो मैं ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ. बट जब बेला गाना गाते हैं ना तो फील होता है गाइस, सच में फील आता है गाने को सुनने के बाद. कोई भी बंदा अगर वो इमोशनल गाना गा रहा है ना, कोई भी बंदा रो देगा, तो उस टाइप का कनेक्शन होना चाहिए गाइस. वो गॉड गिफ्टेड है बेला का, बहुत अच्छे फील्ड में है बेला एंड बेला बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है, नंबर वन पोजीशन पे आने वाला है. तो डेफिनेटली डेफिनेटली जरूर से सपोर्ट करो बेला को एंड मैं यही बोलूंगी. तो गाइज मैं इस वीडियो को यही एंड करूंगी, आप लोग जरूर से कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा मेरा ये रिएक्शन एंड कैसा लगा ये वीडियो. अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन जरूर से प्रेस करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना. और भी अमेजिंग वीडियोस आने वाली है एंड इसी तरह की मैं रिएक्शन वीडियोस लाती रहूंगी, आप लोगों को एंटरटेन करती रहूंगी एंड वीडियोस को एक्सप्लेन करना मेरा काम है गाइस. तो मैं इसी तरह से आप लोगों को अपना जो फील है, वो गाने का जो फील है, वो आपको एक्सप्लेन करती रहूंगी. मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय.